आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेक वर्सेस इंजन, कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा। ओपन सीडीसी कैंडिडेट के मन में यही डाउट रहता है कि हम डेक में जाएं या इंजन में जाएं, क्योंकि जीपी रेटिंग कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो जीपी रेटिंग कंप्लीट होने तक उनको डिसाइड उनको हो जाता है कि मेरे को किधर जाना है, डेक में जाना है या इंजन में जाना है। लेकिन ओपन सीडीसी कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम डेक में जाएं या इंजन में जाएं। तो आज डेक और इंजन दोनों के बारे में हम एकदम क्लियर कर देंगे कि आपके लिए कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट रहेगा। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स फाइंड आउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि जो डेक होता है वो खुले में होता है, मतलब शिप के आउटसाइड बाहर की जो एरिया होती है उसे डेक बोलते हैं। अगर आप डेक डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आप खुले हवा में या धूप में आपको काम करना पड़ेगा, चाहे आपका टेम्परेचर 40 डिग्री हो या इससे भी ज़्यादा हो, आपको धूप में काम करना पड़ेगा, बट आपको खुली जगह मिलेगी, खुली हुई हवा लगेगी। लेकिन वही इंजन डिपार्टमेंट की बात करें तो इंजन डिपार्टमेंट शिप के एकोमोडेशन पॉड के नीचे होता है, तो उधर जाके आपको इंजन रूम का भी टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उधर आपको नीचे बंद में काम करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा एक डिफरेंट है कि आप डेक में करेंगे तो आपको धूप सहना पड़ेगा, आपको हवा मिलेगा बट आपको धूप लगेगा। वही इंजन में आपको नीचे हीट में एक रूम टाइप का होता है बड़ा सा, उसमें आपको काम करना पड़ता है। और जो मोस्ट कैंडिडेट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़के होते हैं वो डेक डिपार्टमेंट में ही जाते हैं, क्योंकि इंजन का काम थोड़ा आपको दिमाग से करना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा दिमाग चाहिए उसके लिए। लेकिन डेक में ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है। जो रेटिंग्स बैकग्राउंड के जो लड़के होते हैं उनको क्या है, चिपिंग, पेंटिंग, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, यही सब डेक में करना पड़ता है। और इंजन में थोड़ा मशीनरी के साथ काम करना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा चाहिए होता है, उसके लिए थोड़ा हेडक होता है जो ज़्यादा होता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लड़के 80% 70% लड़के डेक में जाते हैं और 20-30% लड़के इंजन में जाते हैं। अब एक और डाउट है कि जॉब किस में ज़्यादा है, डेक में ज़्यादा है या इंजन में ज़्यादा है। तो देखिए, जॉब जो है वो डेक में थोड़ी ज़्यादा है और इंजन में जॉब थोड़ी कम है। जॉब थोड़ी इंजन में कम है इसलिए उधर लड़के भी कम जाते हैं, और डेक में जॉब थोड़ी ज़्यादा है तो उधर लड़के भी ज़्यादा जाते हैं। और एक पॉइंट है कि सैलरी किस में ज़्यादा है। तो सैलरी दोनों में सेम है, चाहे आप डेक में जाएं चाहे आप इंजन में जाएं, सैलरी में कोई ऐसा अंतर नहीं है कि उसकी ज़्यादा है उसकी कम है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऊपर की जो टॉप की रैंक होती है कैप्टन जो डेक साइड के, और जो इंजीनियर यानी कि इंजन साइड से जो टॉपेस्ट रैंक होती है, उनमें सैलरी का थोड़ा अंतर होता है। कैप्टन की सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है और चीफ इंजन की सैलरी थोड़ी कम होती है, क्योंकि कैप्टन शिप का ओवरऑल इंचार्ज होता है, जो चीफ इंजीनियर होते हैं वो इंजन साइड के हेड होते हैं। तो ये एक डाउट आपका क्लियर हो गया। और आपको बता दूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है, चाहे आप डेक से हो या इंजन से हो, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड सेम होता है, दोनों का ड्यूटी आवर्स सेम होता है, चाहे आप डेक से हो या इंजन से हो। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि आपको इंटरेस्ट किस डिपार्टमेंट में है। मैं किसी डिपार्टमेंट के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, डेक भी अच्छा है और इंजन भी अच्छा है। आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या आप मशीनरी के साथ काम करना चाहते हैं, क्या आप जीवन में या अपने फ्यूचर में आपको इंजीनियर बनना है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है इंजन साइड। क्या आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, क्या आपको धूप में या खुले आसमान में काम करने का शौक़ है, तो आप डेक साइड में जाइए। आप चूज करेंगे मेरे कहने से या किसी दूसरे यूट्यूबर के कहने से आपको कोई भी डिपार्टमेंट चूज नहीं करना चाहिए। आपको किस में इंटरेस्ट है वो आपको दिखाना चाहिए और उस पर आपको खड़े उतर के एक अच्छा लाइफ बनाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने इस वीडियो में बोला, दोनों के बीच में क्या अंतर है, कैसा क्या किस में काम करना पड़ता है, किसका कैसा लाइफ है, किसका क्या सैलरी है, किसका क्या रेस्ट आवर्स है, जो भी था मैंने इस वीडियो में आपके लिए क्लियर किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मर्चेंट नेवी से रिलेटिव और भी बहुत सारे वीडियोज इस मैरीटाइम पवन यूट्यूब मंच पर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल, थैंक यू।